सभी सुनने वालों को अजय दीप वाधवा का नमस्कार। अभी एक मैं घप से घटना आज जो मेरे साथ एक दो दिन पहले घटी है, मेरे साथ नहीं बल्कि हमारे कार्यालय में घटी है, मैं उसको आपके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी के चेयरमैन सर ऑनलाइन एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे जिसमें कई वरीय अधिकारी पूरे भारत से जुड़े हुए थे। उसने एक पर्टिकुलर अधिकारी से कुछ प्रश्न किए और वो अधिकारी चेयरमैन साहब को स्क्रीन में कैमरे में सामने चेयरमैन साहब को नहीं देखकर कभी दाएं देख रहा था, कभी बाएं देख रहा था और जवाब दे रहा था। बल्कि जवाब देने का उसका जो ढंग था वो भी बहुत सबमिसिव नहीं था। चेयरमैन साहब को तो बुरा लगा ही, वो नाराज भी हुए, पर उससे ज्यादा बुरा हमें लगा, हम सबको लगा कि जब हमारे कंपनी के चेयरमैन हैं, एक ऊंची पोस्ट पर हैं और एक सबसे बड़ी बात है कि पद की एक गरिमा होती है, वो चेयरमैन है कंपनी के, वो जब वरीय अधिकारी से कुछ पूछ रहे हैं तो उस अधिकारी को उनकी तरफ देखते हुए जवाब देना चाहिए था। ठीक है, वो ऑनलाइन मीटिंग थी तो वो कैमरे से साफ उनको स्क्रीन पर देख सकता था, उसको उसकी तरफ देखते हुए जवाब देना था। वो व्यक्ति क्या कर रहा था, कभी दाएं देख रहा था, बाएं देख रहा था, नजरों से नजरें नहीं मिला रहा था। और आप माने ना माने, कहीं ना कहीं वो चेयरमैन की जो पोस्ट है, चेयरमैन का जो पद है, उसकी गरिमा की रक्षा नहीं कर रहा था। बल्कि मैं अगर कहूं किसी को खराब ना लगे तो मैं ये कहूंगा कि वो उस पोस्ट का अपमान कर रहा था। जी हाँ, आज भी हम लोग कई बार जाने अनजाने में जो अपना बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारे शरीर की भाषा है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आज भी मेरे विचार से बॉडी लैंग्वेज में हम भारतीयों को बहुत परफेक्ट नहीं माना जाता है। आज भी हमें यह पता नहीं चलता है कि हम लोग कहाँ पर कैसे बिहेव करें। मैं जो याद है कि जब हम लोग विद्यार्थी होते थे, कई टीचर आते थे, खासकर कॉलेज में प्राध्यापक आते थे, वो हम लोग से कभी खड़े होकर कुछ बाहर या रास्ते में ग्राउंड पर प्राध्यापक मिल गए तो हम लोग अटेंशन में खड़े हो जाते थे। और जब तक प्राध्यापक हमारे पास खड़े होकर हमसे कुछ पूछते रहते थे, हम सावधान की मुद्रा में खड़े रहते थे और उनका जवाब देते थे। पर आजकल मैंने देखता हूँ कि जब कॉलेज में प्रोफेसर या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जब कुछ बच्चों से बात करते हैं तो बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो सावधान की मुद्रा में खड़े होकर प्रोफेसर से बात करते हैं। वो प्रोफेसर से बात करते रहते हैं पर उनका दिमाग, उनके शरीर कहीं इधर उधर घूमता रहता है, वो कहीं इधर देखते हैं उधर देखते हैं, वो मतलब वो उनको वो उनके शरीर से ये नहीं नजर आता है कि वो प्रोफेसर को ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। आजकल के प्रोफेसर जब घर में बच्चों को माँ बाप कुछ नहीं बोल पाते हैं तो बेचारे प्रोफेसर शिक्षक चुप रह जाते हैं। पर निश्चित रूप से ये हमारे देश में जो शारीरिक भाषा की कमी है उसकी ओर इंगित करता है। कई बार हम महिलाओं से भी ठीक से बातचीत नहीं करते हैं। एक बार रीडर डाइजेस्ट ने एक पूरे विश्व में एक सर्वेक्षण किया था कि किसी ऑफिस में या शॉपिंग मॉल में जब कोई लोग घुस रहे थे तो एक लड़की पेपर लेकर उनके साथ मॉल के अंदर घुसी, मॉल के दरवाजे से झटका लगा, उसके हाथ से पेपर गिर गए। ये पाया गया, रीडर डाइजेस्ट ने पाया कि पूरे दुनिया में सबसे असभ्य लोग भारत के थे। जब लड़की के हाथ से पेपर छूट गया तो मैक्सिमम लोग देखे, हो सकता कुछ लोग ठिठके, पर उस झुक कर उस लड़की से के पेपर उठाने में किसी ने मदद नहीं की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम में ये अशिष्टता भरी हुई है। तो आज मेरा विषय यही है कि आइए हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी शिष्ट बने। मैं एक दो बार बैंकॉक गया था, मैं वहां पर मुझे मौका मिला वहां बैंक जाने का। जब भी मैं करेंसी एक्सचेंज कराने बैंक जाता तो सामने जो काउंटर पे लड़का या लड़की होते थे वो पहले हर ग्राहक को हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे। नमस्ते में उनकी भाषा में कुछ शब्द यूज करता है, वो उसका प्रयोग करते थे। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम बैंक में जाएं और किसी बैंक कर्मचारी को काम बोलें तो पहले हमें वो विश करेगा, अभिवादन करेगा, नमस्ते करेगा? वो हम उसको बोलेंगे कि सर मुझे आपसे काम है तो हमारी तरफ नजरें उठा के वो देख लेता, तुम्हारे पर एहसान करता है। तो हमें जरूरत है, जब भारत एक सुपर पावर बन रहा है, जब हम विश्व में एक ताकत बन रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो हमारी सॉफ्ट पावर है इसको भी हम इम्प्रूव करें। और इसमें बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ी पावर है। आइए हम प्रोफेसर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को, महिलाओं को, किसी भी वरीय नागरिक को सिर्फ शब्दों से ही इज्जत नहीं दें, अपने शरीर से भी दें। हमारी शारीरिक भाषा ऐसी होनी चाहिए कि उससे लगना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे इज्जत दे रहा है, और हम इससे एक सॉफ्ट पावर, भारत को एक सॉफ्ट पावर बना पाएंगे। हमें लोगों को इज्जत देना शब्दों से नहीं, शरीर से भी आना चाहिए। उम्मीद है कि आप मेरा मैसेज को समझ गए होंगे और इस पर जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।